नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सरकार और जिला प्रशासन गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है और इस दौरान कईयों पर कार्रवाई भी की गई। बावजूद मंगलवार को जमशेदपुर के MGM अस्पताल में गाइडलाइन पर भारी पड़ गया। मरीजों की लंबी कतार ऐसी कतार कि उनके बीच में से कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। पुरुष हो या महिला की कतार, सबों की स्थिति एक जैसी ही थी। कोई इसका पालन करने को तैयार नहीं था। हर कोई जल्द से जल्द काउंटर से टोकन कटाकर अपना इलाज कर घर जाने के लिए जल्दबाजी में थे, लेकिन यह भूल गए कि सोशल डिस्टेंस भी अपनाना है, क्योंकि वे भले किसी और बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए हों, लेकिन ऐसे जोखिम उठाकर कुछ और बीमारी ही साथ ना ले जाएं, इसका किसी को परवाह नहीं। इतनी लंबी कतार और भीड़ में एक महिला सुरक्षाकर्मी लगातार उन लोगों से सोशल डिस्टेंस अपनाने के लिए आग्रह करती रही, लेकिन उन मरीजों और उनके परिजनों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। जस की तस कतार में लगकर अपनी बारी आने के इंतज़ार में लगे रहे। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं होने से यह स्थिति अक्सर देखा जाता है। ऐसे में जमशेदपुर में दोबारा कोरोना की महामारी फैलती है तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? शहर के ना सुनने वाले पब्लिक या फिर व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी? यह सवाल अत्यंत शोचनीय है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 बजे से स्टार्ट हो के अभी खत्म नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो करना ही पड़ेगा ना, ड्यूटी है। जिस तरह से लाइन लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, आपको इसमें करने में कितना दिक्कत आ रहा है? दिक्कत तो है ही है, क्या करेंगे? सुबह ये लोग को समझदारी कम है तो इसीलिए हम लोग को करना पड़ रहा है, ड्यूटी नहीं है। लोग मान रहे हैं आप जब बोल रहे हैं तो? हाँ, मान तो रहे हैं, ऐसे नहीं है, लोग गंदा नहीं है, तुम नहीं मान रहे, मानते हैं बोलने से, लेकिन हट जाने के बाद फिर लोग सड़ जाते हैं ना, बीमारी फैलाने के लिए क्या, इसीलिए हम लोग सोशल डिस्टेंस करवा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।